हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पटना कलम पेंटिंग, इसको डिस्कस करेंगे। तो पटना कलम पेंटिंग से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पहले ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया है कि ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। दूसरा है कि एग्जामिन द सेलियंट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ये 63 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग एंड स्टाइल, ये 48 से 52 एग्जाम में। और नेक्स्ट है कि डिस्कस द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, जो कि है 46 बीपीएससी में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पटना कलम पेंटिंग से जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसके सेलियंट फीचर्स पे आ रहा है और इसके करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके फीचर्स मुख्य रूप से आपको इसमें लिखने के लिए आ रहा है। तो इसमें हमने डिस्कस किया है सबसे पहले क्या, तो पटना कलम में हम पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, भूमिका इसका हम किस प्रकार लिख सकते हैं, मिक्स्ड स्टाइल ये किस प्रकार है, लोकेशन यानी कि इसकी अवस्थिति क्या है, सब्जेक्ट और थीम किस थीम पे, किस सब्जेक्ट पे ये पेंटिंग बनाया जाता था, इसका टेक्निक क्या है, तकनीक क्या है और किस मेथड से इस पेंटिंग को बनाया जाता था, किस प्रकार के कलर्स यूज किए जाते थे, कुछ की एरियाज कौन कौन से इसके फेमस आर्टिस्ट, इसका कुछ हम रिव्यू देखेंगे यानी कि समीक्षा, एनालिसिस, विश्लेषण ये सब देखेंगे और नेक्स्ट लास्ट में सबसे हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो कई लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि ये जो नोट्स है ये सेम टू सेम हम एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कंप्लीट नोट है इस टॉपिक का, पटना कलम पेंटिंग का 5 से 6 पेज है और पूरा पेज में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम के कॉपी में आप अगर लिखेंगे तो ये 8-9 पेज का कम से कम हो जाएगा, तो इतना ना ही लिखना पॉसिबल है और ना ही इतना आपको लिखना है। किसी एक क्वेश्चन पर इतना टाइम देंगे तो आगे का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है वही सारे पॉइंट्स निकाल के आपको खुद का नोट्स बनाना है और इसी तरह अपने नोट्स में लिखना है और उसे अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे इंट्रोडक्शन से। पहला है कि मुगल रूल इन इंडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन पीपल। तो मुगल रूल जो था भारत में, ये भारत के लोगों का सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को प्रभावित किया। हिंदी का नोट्स ऑलरेडी अपलोड किया गया है यूट्यूब में और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में है, तो हिंदी का कंटेंट ऑलरेडी है, वहाँ से आप हिंदी वाला देख सकते हैं। इंग्लिश में ये मैंने नोट्स बनाए हैं अपना अलग अलग सोर्सेज से, इसको मैंने कंपाइल किया है पटना कलम पेंटिंग का नोट्स, तो ये इंग्लिश है और इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश वाले को ही डिस्कस करेंगे। बट द एरिया विज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड वाज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर। तो जो मुगल रूल था, मुगल शासन था भारत में, वो भारत के लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक लाइफ स्टाइल को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था वो क्या था, वो था आर्किटेक्चर और कल्चर यानी कि वास्तुकला और संस्कृति। एज फार एज पेंटिंग इज कंसर्न, जहांगीर रेन वॉज द गोल्डन ईरा ऑफ मुगल पेंटिंग। तो जहांगीर के शासन को मुगल पेंटिंग का गोल्डन ईरा माना जाता है। Combining the Persian style with Indian traditional style introduced a new way of painting. One of these was Patna School of Painting or Patna Kalam or Company Painting. यानी कि Persian style को Indian traditional style यानी कि भारतीय पारंपरिक style और Persian style को combine करके एक नई तरह का painting introduce किया गया और उसी में से एक था क्या, Patna School of Painting, जिसे Patna Kalam Painting या Company Painting के नाम से भी जाना जाता है। As we go back to the history of Patna Kalam, it was an offshoot of Mughal painting flourished during early 18th to मिड 20th सेंचुरी इन बिहार। तो ये क्या है, मुगल पेंटिंग का ही ऑफशूट है पटना कलम पेंटिंग, जो कि मिड 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ये फ्लोरिश हुआ बिहार में। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, हिंदू आर्टिसंस ऑफ मुगल पेंटिंग फेस्ड प्रोसिक्यूशन बिकॉज ऑफ हिज एंटी हिंदू पॉलिसी एंड डिस्टेस्ट इन आर्ट एंड पेंटिंग। तो जो जहांगीर का काल था वो कला के क्षेत्र का स्वर्णयुग माना जाता था। उसके बाद किसका शासन आया, उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ का शासन आया और शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकला का जो है स्वर्णयुग माना जाता है। लेकिन शाहजहाँ के बेटे जब औरंगजेब का शासनकाल आता है तो इसने कुछ ऐसी एंटी हिंदू पॉलिसीज निकाली, कुछ एंटी हिंदू पॉलिसीज निकालने के साथ साथ ही आर्ट और आर्किटेक्चर में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो भी वहाँ के पेंटर्स थे, जो भी आर्टिसंस थे,
जो भी कलाकार थे मुगल कोर्ट के, उन्हें क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ा। और इस वजह से जो भी पेंटर्स थे, जो भी आर्टिसंस थे, वो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। उन्हीं में से कुछ पेंटर्स पटना के क्षेत्र में आए। दिस पेंटर्स टुक रिफ्यूज इन पटना एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग नोन एज पटना कला। तो कुछ वहाँ से जो आर्टिसंस थे मुगल रूल से औरंगजेब के शासनकाल में, अलग अलग क्षेत्रों में गए, कुछ उसमें से पटना आए और उन्होंने ही एक नया पेंटिंग स्टाइल निकाला जिससे कि पटना कलम पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। पटना के आसपास के क्षेत्रों में यह पेंटिंग फ्लोरिश हुआ, इस वजह से इसका नाम पटना कलम पड़ा। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे, यानी कि जब हमें एग्जाम में लिखना है, एग्जाम पर्पज से हमें लिखना है, तो हम किस प्रकार इंट्रोडक्शन देंगे। अभी तक तो हमने इस पेंटिंग के बारे में जाना कि कैसे ये पेंटिंग फ्लोरिश हुआ, किस प्रकार से ये इस पेंटिंग की उत्पत्ति होती है, पटना कलम पेंटिंग की। अब एग्जाम पर्पज से अगर हम इंट्रोडक्शन लिखना चाहेंगे तो हमें क्या लिख सकते हैं इसमें, पटना कलम पेंटिंग वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग विच एक्सक्लूसिवली डील्ड विद द कॉमन्स एंड देयर लाइफ स्टाइल। यानी कि ये जो पेंटिंग था, ये कॉमन यानी कि जो आम जनजीवन था और उनका जो लाइफ स्टाइल था, उसके बारे में ये पेंटिंग से हमें पता चलता है। इन द आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड बिहार द पटना कलम इज अ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल विच होल्ड्स अ रिमार्केबल प्लेस। द इन्फ्लुएंस ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर द आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न नव्या आर्ट मूवमेंट अवनींद्रनाथ टैगोर इज़ अ प्रूफ ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये जो लाइन है, चार पाँच छः लाइन है, जो कि आप इंट्रोडक्शन में अगर एग्जाम में लिखते हैं तो इस प्रकार का आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन 2010 बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार द कैलेंडर ऑफ पेंटिंग्स ऑफ पटना कलम स्टाइल वाज रिलीज विथ अ व्यू टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार। यानी कि 2010 में बिहार सरकार के द्वारा पटना कलम पेंटिंग का एक कैलेंडर जारी किया गया था, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए। किस विषय में, तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार, बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में। अब एक कोट दिया गया है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, मिस्टर श्याम शर्मा फॉर्मर प्रिंसिपल है ये किसका, तो पटना स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो ये इनके द्वारा क्या किया कहा गया है, द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू बाय द पेंटिंग्स एज सोवेनर्स फ्रॉम पटना, द पेंटिंग्स एंड फैमिली राइज विद द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हेयर, द मास्टर पीस ऑफ दिस आर्ट फॉर्म आर आउटसाइड कंट्री। यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इस पेंटिंग्स को, पटना कलम पेंटिंग्स को यादगार के रूप में यहाँ से खरीद कर ले जाते थे। यानी कि जो बढ़िया बढ़िया मास्टर पीस है इस पेंटिंग का, वो बिहार में ना होकर, कहाँ है बिहार में ना होकर, इंडिया में ना होकर, ये बाहर के देशों में है, अंग्रेजों के देशों में है, जो कि यहाँ से यादगार के रूप में वो पेंटिंग खरीद कर ले जाते थे। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो मिस्टर श्याम शर्मा, ये फॉर्मर प्रिंसिपल हैं पटना स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के। तो ऐसा आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं ताकि जो है अच्छा इंप्रेशन बने आपके आंसर पे कि आप इन सारे चीज़ों के बारे में भी जानते हैं पटना कलम पेंटिंग के। नेक्स्ट है, द नेचर और वैरायटी ऑफ दिस पेंटिंग स्टाइल कैन बी सीन इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो नेचर है इस पेंटिंग स्टाइल का, वो हम निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं, और अगर हमें आंसर भी लिखना है तो इस तरह से हम डायग्राम बनाकर वहाँ पे दे सकते हैं। पहला है बैकग्राउंड, फिर स्टाइल, लोकेशन इसका, सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है, तो पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल और कॉमन लाइफ यानी कि पारंपरिक और आम जनजीवन पे ये चित्रण किया जाता था, ह्यूमन पेंटिंग था और कुछ जगहों पे चिड़ियों का पेंटिंग भी किया जाता था, ड्राइंग मेथड इसका क्या था, कलर किस प्रकार का यूज किया जाता था, मेजर एरियाज कौन कौन से थे और इसके आर्टिस्ट कौन कौन से थे। तो बैकग्राउंड अगर देखें तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग इन द रेन ऑफ औरंगजेब अ बंच ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सेवरल आर्टिसंस माइग्रेटेड टू पटना एंड नियर बाई एरियाज। यानी कि जो मुगल पेंटिंग जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में उसके कला के डिस्टेस्ट की वजह से कला का जो क्षेत्र था वो थोड़ा कम होने लगा, कला में उसकी कम रुचि थी, इस वजह से जो भी कलाकार थे वो अलग अलग क्षेत्रों में आ गए। कुछ उसमें से जो कलाकार थे वो पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए और उन्होंने एक यूनिक थीम ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस किया, मुगल पेंटिंग पे ही जो आधारित था, क्योंकि वो मुगल कोर्ट से आए थे, मुगल दरबार से वो सारे कलाकार आए थे, तो उनमें कुछ मुगल पेंटिंग का भी प्रभाव था और उसी प्रभाव को मिला करके कॉमन लाइफ स्टाइल पर, आम जनजीवन पर चित्रण किया गया और उससे क्या हुआ कि पटना कलम पेंटिंग इवॉल्व हुआ। स्टाइल अगर इसका देखें तो मिक्स्ड स्टाइल है,
दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ थ्री स्टाइल्स विच आर, यानी कि तीन स्टाइल का मिश्रण बताया जाता है पटना कलम पेंटिंग का। पहला तो है लोकल स्टाइल, दूसरा है मुगल स्टाइल और तीसरा है ब्रिटिश स्टाइल। यानी कि इन तीनों स्टाइल को मिलाकर जो एक पेंटिंग इवॉल्व हुआ वही पटना कलम पेंटिंग बना। एक तो यहाँ पे यहाँ के लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया गया और दूसरा वो मुगल कोर्ट से आए थे तो वहाँ पे भी उसका भी कुछ इन्फ्लुएंस था और ब्रिटिशर्स का उस समय शासन था तो ब्रिटिशर्स का भी कुछ इन्फ्लुएंस था। तो इस तरह से तीन तरह के स्टाइल को मिलाकर कौन सा पेंटिंग बना, तो पटना कलम पेंटिंग बना। ये डायग्राम में आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश स्टाइल इट्स अदर नेम इज कंपनी स्टाइल, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो स्टाइल था पेंटिंग का उसका भी कुछ प्रभाव है पटना कलम पेंटिंग का और इस वजह से इस पेंटिंग को कंपनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। दिस पेंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मुगल पेंटिंग बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू, हालांकि जो ये पेंटिंग है ये मुगल पेंटिंग से प्रभावित है लेकिन इन दोनों के बीच में पटना कलम पेंटिंग और मुगल पेंटिंग के बीच में डिफरेंस है, अंतर है। मुगल पेंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रैंडियर स्प्लेंडर वेयर एज पटना कलम इज अ पेंटिंग बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ स्टाइल। तो मुगल पेंटिंग जो था वो भव्यता पर आधारित था, कैसे, क्योंकि वो दरबार में रहते थे, मुगल दरबार के पेंटर्स थे तो वो राजा महाराजाओं के महलों के पिक्चर बनाते थे। लेकिन जो आर्टिसंस पटना के क्षेत्र में आए वो क्या किए कि यहाँ पे आम जनजीवन का चित्रण करने लगे, आम लोगों का पिक्चर बनाने लगे। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है मुगल पेंटिंग में और पटना कलम पेंटिंग में। और अगर अब इसका लोकेशन देखते हैं, अवस्थिति देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि इंडिया का एक छोटा सा हमने मैप बना दिया है। मैप थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है फिर भी हमने कोशिश किया, तो इंडिया का मैप में हमने दिखाया है दिल्ली का क्षेत्र। तो दिल्ली का क्षेत्र क्या था, यहाँ पे मुगल का शासन था और यहाँ से जो आर्टिसंस माइग्रेट करके आए ईस्ट के तरफ बिहार में, तो यहीं पर क्या था, पटना कलम स्टाइल फ्लोरिश हुआ बिहार के क्षेत्र में। और बिहार का एक स्पेशल मैप बना के यहाँ गंगा नदी के किनारे पटना का जो क्षेत्र है, पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस पेंटिंग का जो है विकास होता है। दिस पेंटिंग स्टाइल वॉज डेवलप्ड मेनली इन पटना एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज इंक्लूड दानापुर, आरा, लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा एक्सेट्रा। तो पटना और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र थे जिनमें कि ये सारे क्षेत्र इंक्लूड है, तो यहीं सारे क्षेत्रों में पटना कलम पेंटिंग जो था फ्लोरिश हुआ। इन दिस पेंटिंग स्टाइल मेनली मिनिएचर्स वेयर मेड, मोस्ट ऑफ विच वेयर मेड ऑन पेपर। दीज पेंटिंग्स वेयर आल्सो मेड ऑन टस्क, लेदर, मेटल्स, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये जो था मिनिएचर पेंटिंग था और ये क्या कहाँ बनाया जाता था, तो मोस्टली पेपर पर बनाया जाता था और कुछ ये जो थे हाथी दांत पे, चमड़ों पर, मेटल्स पे, ग्लास पे, इस सब पे भी इस पेंटिंग को किया जाता था। अब सब्जेक्ट मैटर इसका देखें तो पेंटिंग्स ऑफ पटना कलम कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। तो इसका सब्जेक्ट मैटर देखें या थीम देखें पटना कलम का, तो इसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है पिक्चर्स ऑन कॉमन लाइफ यानी कि आम जनजीवन पे, दूसरा ह्यूमन पेंटिंग यानी कि जो मानव थे, आदमी थे, उनका पेंटिंग बनाया जाता था, और तीसरा है बर्ड पेंटिंग, कुछ जगहों पे चिड़ियों का भी पेंटिंग किया जाता था। तो यही थीम था पटना कलम पेंटिंग का। पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल और कॉमन लाइफ यानी कि जो ट्रेडिशनल या आम जनजीवन था, पारंपरिक या आम जनजीवन चित्रण था, इसमें किया जाता था। तो इन दिस पेंटिंग स्टाइल देर आर पिक्चर्स ऑफ कॉमन लाइफ सच एज फार्मर्स प्लॉइंग द फील्ड, कारपेंटर कटिंग द वुड, वुमेन सेलिंग फिश, ब्लैक स्मिथ कलरिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, खेत जुतता हुआ किसान, कारपेंटर जो है बढ़ई जो है लकड़ी काटता हुआ औरत, जो है सेलिंग फिश यानी कि मछली बेचती हुई औरत, ब्लैक स्मिथ, तो ये सारे लोगों का चित्रण किया जाता था। तो ये आम जनजीवन जो भी कार्य करते हैं ये सारे चीज़ों का चित्रण किया गया, तो ये पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल या कॉमन लाइफ कहा गया। नेक्स्ट है ह्यूमन पेंटिंग। इन दिस पेंटिंग स्टाइल द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ वेरी आर्टिस्टिक डिपिक्शन, स्पेशली ऑन द डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज द डीप आई, हेवी आईब्रो, पॉइंटेड नोज, स्लेंडर फेस। तो ह्यूमन बॉडी का इस तरह से चित्रण किया जाता था, डीप आइज दिखाया जाता था, हेवी आईब्रो, पॉइंटेड नोज और स्लेंडर फेस, तो इस तरह से ह्यूमन पेंटिंग किया जाता था।
बर्ड पेंटिंग आर डिपिक्टेड विद वेरी सबलेटी विच सिम्बलाइजेज द यूनिकनेस ऑफ दिस जेनर। तो ये तीन तरह के पेंटिंग किए जाते थे, इस तीन थीम पर पटना कलम पेंटिंग किया जाता था। नेक्स्ट है इसका ड्राइंग मेथड, यानी कि किस प्रकार से इस पटना कलम पेंटिंग का ड्राइंग तरीका क्या था, तो ये दिया गया है। दिस पेंटिंग स्टाइल इज आल्सो नोन अबाउट इट्स पेंटिंग मेथड, यानी कि इस पेंटिंग स्टाइल को इसके पेंट करने के तरीके से भी जाना जाता है। जनरली इन डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल एट फर्स्ट डायग्राम इज मेड एंड देन कलर्स आर फिल्ड इन इट, बट पटना कलम इज टिपिकल इन दिस वे दैट द प्रोसेस कलम पेंटिंग इज टिपिकल इन दिस वे दैट द प्रोसेस ऑफ ड्राॅइंग एंड कलरिंग मूव्स सिमल्टेनियसली। यानी कि अगर जनरली आप देखें तो पेंटिंग कैसे किया जाता है, पहले किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उसमें रंग भरा जाता है। लेकिन पटना कलम पेंटिंग में डायरेक्टली ही रंग भरने का काम और कुछ भी ड्रॉ कीजिए और रंग भरिए, यानी कि अलग से इसमें डायग्राम नहीं बनाया जाता था, डायरेक्ट इसमें कलरिंग का काम ही किया जाता था। द वर्क ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग इज डन विथ अ ब्रश और वुडन ब्रश, यानी कि किसी ब्रश से या लकड़ी के ब्रश से इस्तेमाल किया जाता था पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए। और कई बार जो ब्रश था वो फर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जैसे कि कई बार कहा जाता है गिलहरी के पूंछ से जो ब्रश था वो तैयार किया जाता था, तो एनिमल्स के फर से भी उस ब्रश को तैयार किया जाता था जिससे कि पटना कलम पेंटिंग बनाया जाता था। द पॉइंट ऑफ अटेंशन इन दिस पेंटिंग स्टाइल इज दैट लैंडस्केप्स एंड बैकग्राउंड डू नॉट अपीयर, इट इज़ पॉसिबली ड्यू टू कॉस्ट रिडक्शन। तो कुछ इसमें अटेंशन की बात इस पेंटिंग स्टाइल में ये भी है कि इसमें लैंडस्केप और बैकग्राउंड नहीं रहता था, लैंडस्केप मोड में और इसमें बैकग्राउंड का अभाव रहता था, यानी कि बिना बैकग्राउंड के यह पेंटिंग किया जाता था और ऐसा माना जाता है कि कॉस्ट रिडक्शन के वजह से ऐसा किया जाता होगा। कलर अगर देखें तो डार्क कलर्स आर यूज सच ए डार्क ग्रीन ब्लू एट्सेट्रा, आल्सो आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज्ड इन इट, यानी कि कलर अगर देखें तो डार्क रेड ग्रीन ब्लू ये सारे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, कई बार आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। मेजर आर्टिस्ट अगर इसका देखें पटना कलम पेंटिंग का, तो पटना कलम पेंटिंग इज आल्सो नोन एज मेन्स स्टाइल पेंटिंग एज मोस्ट ऑफ द पेंटर्स आर मेल, यानी कि इसे मेन्स स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे जो चित्रकार हैं वो मेल ही हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर वर सम फेमस आर्टिस्ट, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उसमें से कुछ जो इस पटना कलम पेंटिंग के पेंटर्स हैं वो हैं 18th century में अगर देखें तो सेवक राम और हुलास लाल। सेवक राम अर्ली पेंटर थे और हुलास लाल के अगर बारे में देखें तो मेनली रिलेटेड टू हिंदू फेस्टिवल पिक्चर्स लाइक होली एंड दिवाली। तो हुलास लाल जो थे ये हिंदू फेस्टिवल से रिलेटेड पिक्चर बनाते थे जैसे कि होली और दीपावली के अवसर पे। 18th century में ही थे महादेव लाल जो कि रागिनी गांधारी के इन्होंने पेंटिंग डिज़ाइन किया था। माधव लाल अगर देखें तो लॉन्गिंग हीरोइन जिसे कि विरहिणी नायिका के नाम से भी जाना जाता है। और शिव दयाल लाल ये पेंटिंग ऑफ मुस्लिम मैट्रीमोनियल, यानी कि मुस्लिम मैट्रीमोनियल से रिलेटेड ये पिक्चर्स बनाते थे। यमुना प्रसाद ये पेंटिंग ऑफ बेगम्स अल्कोहलिज्म, यानी कि बेगम अल्कोहल लेते हुए ऐसे पेंटिंग्स यमुना प्रसाद जी के द्वारा बनाया जाता था। 19th century के पेंटर थे राधा मोहन बाबू और द मैटर ऑफ इमेज इलस्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड कोनोशियर ऑफ द पटना कलम। तो ये मास्टर इमेज इंस्ट्रेशन बनाते थे जिसे कि कोनोशियर ऑफ द पटना कलम भी कहा जाता है। ईश्वरी प्रसाद वॉज द पेंटर ऑफ लास्ट डिकेड ऑफ 20th century पटना कलम पेंटिंग, हिज रेसिडेंस वॉज इन कोलकाता एंड ड्यू टू दिस द सेंटर ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल बिकेम कोलकाता टू। तो ईश्वरी प्रसाद जो थे ये 20th century के लास्ट डिकेड के पेंटर थे पटना कलम पेंटिंग के, इनका जो रेसिडेंस था इनका आवास था ये कहाँ था तो कोलकाता में था, तो इस वजह से पटना कलम पेंटिंग का स्टाइल का जो सेंटर था वो कोलकाता में भी था, यानी कि कोलकाता के ये पेंटर थे इस वजह से कोलकाता में भी ये पेंटिंग बनाते थे। तो एक तरह से इसका केंद्र कह सकते हैं कि कोलकाता में भी था। अब है मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम। तो इसके मेन फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं पटना कलम पेंटिंग के, तो हमने इसमें लगभग 12 पॉइंट्स लिखे हैं। तो 12 पॉइंट्स में अगर आप एग्जाम में इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी लिखते देते हैं तो अच्छा रहेगा, अच्छा माना जाएगा। पहला है अनलाइक मुगल पेंटिंग सब्जेक्ट्स वर बेस्ड ऑन रॉयल्टी, पटना कलम सब्जेक्ट वॉज द कॉमन पीपल, दे वेर वेरी सिंपल,
लूसिड एंड प्रोपोर्शनेट, यानी कि मुगल पेंटिंग का जो सब्जेक्ट था वो क्या था, रॉयल्टी पर बेस्ड था, लेकिन पटना कलम पेंटिंग जो था वो कॉमन लोगों पे, आम जनजीवन पे ये चित्रण किया जाता था। दूसरा है, वाइल रिटेनिंग द ग्रेस ऑफ मुगल स्टाइल, पटना कलम डिसाइडेड टू रिमेन सिंपलिस्टिक इन नेचर, यानी कि मुगल स्टाइल जो था वो ग्रेस पे आधारित था, यानी कि रॉयल लोगों का वहाँ पे पिक्चर बनाया जाता था, जबकि पटना कलम पेंटिंग जो है ये जो पेंटिंग था वो बिल्कुल सिंपल नेचर का, सिंपल प्रवृत्ति से उसे बनाया जाता था। पटना कलम हैज़ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग एंड पहाड़ी पेंटिंग ड्यू टू इट्स रूट इन देम, यानी कि मुगल पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग का इस पे प्रभाव दिखता है पटना कलम पेंटिंग का, क्योंकि इसके जड़ें कहाँ है, मुगल पेंटिंग में ही है, मुगल दरबार से ही ये पेंटर्स निकल कर आए थे, तो इससे क्या होता है कि पटना कलम पेंटिंग पे मुगल पेंटिंग या पहाड़ी पेंटिंग का भी इन्फ्लुएंस था। Also, there is influence of Western, as Calcutta was the next nearest market, which was called as the London of East. Hence, the paintings shows rare fusion of native and foreign elements. तो कुछ वेस्टर्न का भी इसमें इन्फ्लुएंस देखा जाता है। कलकत्ता क्या था, तो लंदन ऑफ ईस्ट कहा जाता है कोलकाता को, जो कि पटना से नेक्स्ट नियरेस्ट मार्केट था, यानी कि पटना के जो भी पेंटर्स थे अगर उनकी पेंटिंग कहीं अगर सेल करनी है तो वो कहाँ जाएंगे, नियरेस्ट मार्केट कोलकाता में। और ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस जगह पर था, कोलकाता में था, तो इस वजह से इसमें रेयर फ्यूज़न देखने को मिलता है, कुछ स्वदेशी का और कुछ फॉरेन एलिमेंट्स का। दिस पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई लाइट कलर्ड स्केचेज एंड लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लाइट कलर्ड स्केच बनाया जाता था इसमें और लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, यानी कि आम जनजीवन, जैसे कि मछली बेचती हुई औरत, खेत जोतता हुआ किसान, तो ये क्या है, ये लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन दर्शाया जाता था इसमें। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम इज दैट दे यूजुअली डू नॉट पेंट एनी लैंडस्केप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, यानी कि इसमें फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और लैंडस्केप इस पेंटिंग में नहीं देखने को मिलता है। द आर्ट ऑफ फिनिशिंग टच इज मार्वेलस इन पटना कलम, यानी कि फिनिशिंग जो टच दिया जाता है वो बहुत ही शानदार दिया जाता है पटना कलम पेंटिंग में। द फिगर्स ऑफ दीज पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज बाई द पॉइंटेड नोज, हेवी आईब्रोज, लीन एंड गॉन्ट फेसेस, संकेन एंड डीप सेट स्टारी आइज एंड बिग मॉस्टेक्स। तो ये जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ह्यूमन पेंटिंग अगर किया जाता था तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने को मिलते थे, पॉइंटेड नोज, हैवी आईब्रोज, लीन एंड गॉन्ट फेसेस, संकेन एंड डीप सेट स्टारी आइज, बड़ी बड़ी मूछें भी दिखाई जाती थी, तो ये सारे चीज़ जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द पेंटर्स यूज टू एक्सट्रैक्ट कलर्स इंडिजीनियसली फ्रॉम प्लांट्स, बार्क, फ्लावर्स एंड मेटल्स, जनरली दे पेंटेड ऑन पेपर, ग्लास, माइका, आइवरी सीट्स विच वेयर मोस्टली हैंडमेड, यानी कि ये जो कलर्स कैसे निकाला जाता था, तो इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशी तरीके से कलर्स निकाला जाता था, पेड़ों से, पेड़ की छालों से, फूलों से और कुछ मेटल्स से। तो जनरली और कहाँ पेंट किया जाता था ये पेंटिंग, तो पेपर पे, ग्लास पे, माइका पे, आइवरी सीट्स पे, तो ये सारे चीज पे ये पेंटिंग किया जाता था। ब्रशेज यूज्ड वेयर मेड फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स, द टेल ऑफ स्क्वायरल वाज द मोस्ट फेमस चॉइस ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कि एनिमल्स के फर से ब्रशेज का निर्माण किया जाता था और इसमें गिलहरी के पूंछ जो है ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज था कलाकारों का, गिलहरी के पूंछ से वो ब्रश बनाते थे। द पेपर वॉज ट्रीटेड विथ वाइट्रोल एंड एरो रूट विच नॉट ओनली यूज टू गिव इट अ शाइनिंग फेस बट ऑल्सो एक्टेड एज प्रिजर्वेटिव सो दैट द पेंटिंग कुड रियली लास्ट लॉन्ग, यानी कि वाइट्रोल और एरो रूट का इस्तेमाल किया जाता था शाइनिंग फेस दिखाने के लिए पेंटिंग का, और वो प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता था ताकि पेंटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है, द पेंटिंग्स आर पेंटेड स्ट्रेट अवे विद द ब्रश विदाउट यूजिंग पेंसिल टू डेलिनिएट द कंटूर्स ऑफ द पिक्चर, दिस टेक्निक वॉज कॉमनली कॉल्ड कजली स्याही, आउटलाइंस वेयर नॉट मेड, यानी कि पेंटिंग जो था इसमें बिना ब्रश पेंसिल का इस्तेमाल किए, यानी कि इसमें जो है स्केचिंग नहीं किया जाता था, डायरेक्ट कलर्स का इस्तेमाल करके इस पेंटिंग को बनाया जाता था, और इस तरीके को कजली स्याही तरीका कहा जाता है, जिसमें कि आउटलाइंस नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट कलर्स से ही, डायरेक्ट ब्रश से ही पेंटिंग किया जाता। अब आते हैं इसके रिव्यू और कॉन्क्लूजन पे, यानी कि समीक्षा में हम क्या लिखेंगे। तो इन दिस वे वी कैन सेड दैट द वेन द पेंटिंग स्टाइल वॉज फॉलोइंग ऑन द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर,
देन देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द फॉर्म ऑफ पेंटिंग थ्रू रीजनल स्टाइल्स लाइक पटना कलम। यानी कि जब मुगल एम्पायर में जब पेंटिंग का महत्व खत्म हुआ, आर्ट का महत्व खत्म हो गया, कला का महत्व खत्म हो गया, तो एक ये अपॉर्चुनिटी था, एक मौका था अलग तरीके के स्टाइल को डेवलप करने का, और उसी में से एक क्या हुआ कि पटना कलम पेंटिंग का भी विकास हुआ। इन दिस मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल द ब्लेंड ऑफ डिफरेंट स्टाइल दैट इज़ द पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड ट्रेडिशन। यानी कि अलग अलग स्टाइल्स को ब्लेंड करके पटना कलम पेंटिंग का विकास किया गया था और ये इंटीग्रेटेड ट्रेडिशन पे ही आधारित था। ऑल्दो दिस स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मुगल स्टाइल बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। इन मुगल स्टाइल देयर इज मैग्निफिशेंस वेयर इज इन पटना कलम देयर इज एन इंट्यूशिव डिपिक्शन ऑफ कॉमन लाइफ। यानी कि मुगल स्टाइल से ये हालांकि इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर था। मुगल पेंटिंग स्टाइल में मैग्निफिशेंस दर्शाया जाता है, भव्यता दिखाई जाती है, वहाँ पे राजा महाराजाओं की, महलों की पेंटिंग की जाती थी, लेकिन पटना कलम में क्या हुआ कि कॉमन लाइफ पे, आम जनजीवन पे यहाँ पे चित्रण किया जाता था। एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पेंटिंग स्टाइल इज दैट इट डज नॉट यूज लैंडस्केप एंड बॉर्डर ड्यू टू विच आर्टिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग इज अफेक्टेड। मेनी क्रिटिक्स बिलीव दैट इस पर्पोज मे हैव बीन टू रिड्यूस स्पेंडिंग। ये एक और क्रिटिसिज्म इसमें दिया जाता है पेंटिंग स्टाइल में कि यहाँ पे लैंडस्केप और बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इस वजह से इसकी जो कलात्मकता थी ये अफेक्टेड होती थी, प्रभावित होती थी। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसा भी मानते हैं कि क्योंकि ये जो माइग्रेट करके जो ये आर्टिसंस आए थे मुगल दरबार से, तो ये थोड़े से इनके पास जो रेवेन्यू का भी कमी होता था, तो इस वजह से ये कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हो सकता हो कि ये बॉर्डर वगैरह पर ज़्यादा खर्च नहीं करते होंगे, डायरेक्ट ये ब्रश से ही पेंटिंग बना देते होंगे। अब हम कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं, तो छोटा सा कंक्लूजन कहा जाता है कि आपका आंसर क्या हो, तो हम किस प्रकार से इसमें कंक्लूजन लिखेंगे। तो ओवरऑल दिस पेंटिंग स्टाइल इज़ नॉट ओनली इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ बिहार एंड द इंडियन आर्ट ट्रेडिशन, टिपिकली मार्किंग और पोर्ट्रेइंग द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल लाइफ इन पिक्चर इट्स रेलिवेंस ऑलवेज कीप्स। तो ये क्या है कि केवल बिहार का ही नहीं, ये भारत का भी ये जो कला है, ये कला पारंपरिक जो कला है, ये बिहार का ही नहीं, भारत का भी ये एक विरासत है, और जो आम जनजीवन का जो चित्रण किया जाता है इसकी महत्ता आज भी दिखाई देती है, आज भी बहुत है। तो ये छोटा सा हमारा कंक्लूजन हो गया। इससे अच्छा भी अगर आपको कोई कंक्लूजन पता हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। अब आते हैं, कई बार कॉजेज ऑफ डिक्लाइन भी हमें ऐड कर देंगे अगर अच्छा 2-3 पॉइंट्स, तो उस पर भी हमें अच्छा मार्किंग मिल सकता है। तो क्यों ये पेंटिंग जो है, क्यों इसका डिक्लाइन हो गया, क्यों ये इस पेंटिंग का पतन हो गया, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। द लैक ऑफ पेट्रोनेज फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो औपनिवेशिक सरकार था वहाँ पे संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ इस पेंटिंग को। लैक ऑफ डिमांड फ्रॉम कस्टमर से डिमांड कम था इस पेंटिंग का। और एडवेंट ऑफ फोटोग्राफी, और कुछ समय के बाद उस टाइम क्या हुआ, फोटोग्राफी का इन्वेंशन हो गया, फोटोग्राफी आ गई, तो उससे क्या हुआ कि इस पेंटिंग का, हैंडमेड पेंटिंग का डिमांड कम हो गया। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग्स अबाउट पटना कलम लाइक द वर्ल्ड फेमस मधुबनी पेंटिंग इज इट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट्स ड्यू शेयर ऑफ एक्नॉलेजमेंट डिस्पाइट ऑफ दैट मेनी बिलीव दैट इपोनिमस पेंटिंग वॉज फार मोर सुपीरियर टू मोर पॉपुलर मिथिला और मधुबनी पेंटिंग। एक और दुर्भाग्यपूर्ण इस पेंटिंग के बारे में क्या है, अगर हम वर्ल्ड फेमस जो मधुबनी पेंटिंग है उससे कंपेयर करें, तो पटना कलम जो था ये अपना ड्यू शेयर ऑफ एक्नॉलेजमेंट इसे प्राप्त नहीं हुआ, डिस्पाइट मैनी बिलीव, यानी कि इसके बावजूद कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये मिथिला या मधुबनी पेंटिंग से कहीं ज़्यादा अच्छा था, कहीं ज़्यादा सुपीरियर था, फिर भी इसे अपना हिस्सा नहीं मिला, जो कि एक्नॉलेजमेंट, जो कि प्रसिद्धि इसे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला अगर मधुबनी पेंटिंग से कंपेयर करके देखा जाए तो। कुछ और कॉजेज ऑफ डिक्लाइन हमने इसमें ऐड कर दिया है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि इसमें और आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसी चीज़ को हमने एलोबरेट करके लिखा है। तो पहला है कि इन 1861 ए ब्रिटिश आर्ट लवर चार्ली डी एली एस्टेब्लिश्ड अ लिथो प्रेस एट गुलजार बाग इन पटना विच स्टार्टेड प्रिंटिंग पेंटिंग्स ऑफ पटना कलम टू सेटिस्फाई हाई डिमांड्स ऑफ दोज पेंटिंग्स इन यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि 1861 में एक ब्रिटिश आर्ट लवर थे, कला के प्रेमी थे, जिनका नाम था चार्ली डी एली, तो इन्होंने गुलजार बाग पटना में एक लिथो प्रेस की स्थापना की, जो कि क्या किया जाता था वहाँ पर कि पटना कलम जो था पेंटिंग, इसका प्रिंट किया जाने लगा।
किस लिए, टू टेस्ट टू सेटिस्फाई हाई डिमांड ऑफ दोज पेंटिंग इन यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि यूरोपीय देशों में इन पेंटिंग का हाई डिमांड था। और ये क्या किए कि इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का लिथो प्रेस का स्थापना किया गुलजारबाग पटना में, और वहीं से ये हैंडमेड पेंटिंग को प्रिंट करके यूरोपीय देशों में ये भेजने लगे। नंबर ऑफ सच लिथो प्रेस सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, विच रिजल्टेड इन टू डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ हैंडमेड पेंटिंग ऑल्सो डिक्रीज। यानी कि लिथो प्रेस से क्या हुआ कि जो ये हैंडमेड पेंटिंग था, यानी कि अगर आप एक पेंटिंग बना दिए किसी पेज पे, तो उस पेंटिंग से अब 100,000 जितनी संख्या में चाहे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हैंडमेड पेंटिंग का डिमांड कम हो गया, एक ही पेज से अब 100 पेज बना के वो यूरोपीय देशों में भेज देते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ दीज पेंटिंग्स वेर ट्रेडर्स, हैंस विद इंक्रीज इन ट्रेड एक्टिविटीज इन एंड अराउंड पटना रिजल्टेड इन टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर पटना कलम पेंटिंग। यानी कि जो ज़्यादा कंज्यूमर्स थे इसके, जो ज़्यादा ग्राहक थे वो कौन थे, तो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। तो वो अगर पटना के क्षेत्रों में अगर व्यापार की कमी आने लगी, तो इस वजह से इस पेंटिंग की भी डिमांड्स में कमी आ गई। विद द इन्वेंशन ऑफ कैमरा इन लेटर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो डिक्लाइन द डिमांड ऑफ पटना कलम पेंटिंग। यानी कि कैमरा का इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ कि जो पटना कलम पेंटिंग थी, इसकी जो डिमांड थी वो घट गई, इसके डिमांड में कमी आ गई। तो इस तरह से पटना कलम पेंटिंग्स के जितने भी एस्पेक्ट्स थे हमने इस नोट में कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।